सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स स्नोबोर्डिंग कर रहा है, तभी अचानक से पीछे से हिमस्खलन आ जाता है, जिसके बाद ये व्यक्ति काफ़ी डर जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और आखिरकार वो हिमस्खलन के नीचे से निकल जाता है। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर स्रेट शॉस ने शेयर किया है, जिसे अब तक कई लोग देख चुके हैं। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कोई स्नोबोर्डिंग कर रहा है। हम आपको बता दें कि स्नोबोर्डिंग बर्फ पर किया जाता है और ये बर्फ पर किए जाने वाला सबसे खतरनाक करतब होता है। इसी दौरान तेजी के साथ हिमस्खलन आ जाता है। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें इसका मतलब ही नहीं पता होगा। दरअसल जब हिमस्खलन आता है तो व्यक्ति कई हजारों किलो की बर्फ के नीचे दब भी सकता है, जिससे निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस व्यक्ति का नाम मॉरिस है और यह व्यक्ति 8 जनवरी को लवलैंड के पास समिट कंट्री में स्नोबोर्डिंग करने गया था, जिस दौरान ये पूरा हादसा हुआ। इस बारे में उन्होंने कहा कि वो काफ़ी डर चुके थे, उनको तो ऐसा भी लगा कि जैसे अब पता नहीं क्या हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उनको ऐसा लगा कि जैसे उनके पीछे कोई बड़ी सी चीज़ क्रैक हुई हो। मैं बहुत ज़्यादा लक्की हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ, वरना वहाँ से बच पाना नामुमकिन था। अब हम आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि इस शख्स को ज़रा सी भी चोट नहीं आई। इस वीडियो पर अब तक कई व्यूज़ आ चुके हैं, साथ ही लोग इस वीडियो पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोग इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी हैरान हैं कि आखिर कोई इस हिमस्खलन से कैसे बच सकता है। लोगों को हैरत तो इस बात पर हुई कि इस दौरान ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी व्यक्ति को ज़रा सी भी चोट ना आई हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है, इस व्यक्ति को ज़रा सी भी चोट नहीं लगी। इस वीडियो पर अब तक 11,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं, साथ ही 50 से ज़्यादा लोग इस वीडियो पर कमेंट भी कर चुके हैं। ऐसी ही अपडेट्स जानने के लिए हमारे आम आदमी पेज को फॉलो करें और साथ ही इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।